खान अभय जंगल में छुपा है। अब्दुल बसीर पुराने अड्डे के पास पहुंचो जल्दी। ठीक है भाई। समझ में नहीं आ रही है, हमारे भाई ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे पुलिस वाले जंगल में घुस गए हैं, हम में से कोई भी ना मारा जाए इसलिए भाई ने हम सबको यहाँ बुलाया है। बराबर बराबर, नहीं तो भाई खुद आकर हमें खबर नहीं देते। देखो अगर हम कभी पकड़े भी गए तो हम कभी पुलिस को भाई की खबर नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम भाई को पुलिस के हाथों लगने नहीं देंगे। हमारे लिए करीम भाई हमारे खुदा है दोस्तों, खुदा है। जिस देश में खुदा की कोई कद्र नहीं करता वहां तुम जैसे बंदों का जिंदा रहना वेस्ट है। खुदा की बात करते हो, कौन है तुम्हारा खुदा? यस सर। आपने जो किया वो सही किया? बिल्कुल सही किया है सर। नॉनसेंस, आपने किन्हें मारा है जानते हैं आप? करीम खान के साथियों को। वो उसी के साथी थे, कैसे कह सकते हैं आप? सर
अगर वो करीम खान के साथी नहीं होते तो मुझे करीम खान समझकर मेरे बताए हुए जगह पर नहीं आते। हो सकता है, पर उन्हें शूट करने का परमिशन आपको किसने दिया? मेरे रगों में दौड़ने वाले पुलिस के फर्ज ने दिया सर। उस करीम खान के गोलियों का शिकार हुए जो लाखों लोग थे उनकी आत्मा ने मुझे परमिशन दिया। Don't try to convince me. कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे आपने सारे कांस्टेबल को बिगाड़ रखा है। सर, आपकी नजर में हमारे सभी कांस्टेबल्स बिगड़े हुए हैं क्या? नो सर, दे आर आवर प्राइड। स्पेशल टास्क फोर्स ऑपरेशन में ऑफिसर से ज्यादा मरे हैं कांस्टेबल्स, लेकिन क्या करें, सरकार क्रेडिट ऑफिसर्स को देती है, कांस्टेबल्स के जान की कोई अहमियत ही नहीं होती है सर। उनके मरने के बाद उनके बीवी बच्चों की जिंदगी जो है वो मौत से भी बदतर हो जाती है सर। इतना बलिदान देने के बाद भी इन कांस्टेबल्स को हमारे डिपार्टमेंट नजरअंदाज ही करता रहता है। बस भाषण मत दीजिए, पहले आप बदलिए। मैं नहीं बदलूंगा सर, मेरे बदलने से पहले जो बदलना चाहिए वो हमारे इलाके का प्रमाण वचन है। मैं खाकी वर्दी पहनकर ईमानदारी और लगन से समाज को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए बगैर, सार्वजनिक धन संपत्ति नष्ट हुए बिना निष्ठा से मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इसके बदले रेपिस्ट, खूनी, रिश्वतखोर, गुंडे, ये सब हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें बचाना ही हमारा कर्तव्य है। इनकी बदौलत देश बर्बाद होता तो होने दीजिए, इन लोगों से ही हमारे देश का उद्धार होगा। इस तरह का प्रमाण वचन को बदलने से आपको भी परेशानी नहीं होगी और हम भी चैन से जी पाएंगे। आई थिंक दैट इज बेटर सर। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ही से दिवाकर, आप ही से कह रहा हूं मैं। सर, वन स्मॉल क्लेरिफिकेशन। यस। ये कमिश्नर का ऑफिस है या होम मिनिस्टर का चैम्बर? माय गॉड सर, देखिए बैठिए। मैं इस राज्य का होम मिनिस्टर हूँ, किसी से कैसे बात करते हैं इसकी समझ नहीं है आप में। कमिश्नर, इन्हें समझाइए, ऐसे पागलों को ठीक करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ बेवजह बेगुनाह लोगों को मारकर यहाँ आकर डायलॉग मार रहा है, पागल है ये, पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ आपकी तरह। जिस तरह आप पे राजनीति का पागलपन सवार है, उसी तरह मुझ पे अपने कर्तव्य का पागलपन सवार है। अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, आपको वहाँ भेजा गया था करीम खान को गिरफ्तार करने के लिए। That's not my target, sir. करीम खान को गिरफ्तार करना मेरा टारगेट नहीं है, वो पकड़ा भी जाए तो वेस्ट है। हमें डराने के लिए वो जिन लोगों का इस्तेमाल करता है उन्हें डराना चाहिए सर, मतलब उसके साथियों के दिल में मारे जाने का डर पैदा होना चाहिए सर, तब वो अकेला हो जाएगा। और जिस दिन वो अकेला हो गया, समझो वो मर गया। और मरे हुए आदमी को पकड़ने के लिए खाकी वर्दी पहने हुए ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है सर, उसके लिए तो एक वॉचमैन भी बहुत है। पेड़ पे चढ़ के डालियों को काटने के बजाय जड़ को काटना चाहिए, ऐसा करने से कुछ मंत्रियों को गुस्सा आ जाता है। दिवाकर, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो इसलिए हम चुप बैठे हैं, बस कीजिए। शहर में तुम्हारा नाटक ज्यादा हुआ सोचकर जंगल में भेजा तो वहां भी तुम बाज नहीं आए। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम मेरे अंडर काम करते हो, ये बात याद रखो। सॉरी सर, मैं आपके अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके साथ काम कर रहा हूँ। देखा ना, कुछ भी कहने से उल्टी बात करता है। दिवाकर, देखो तुम गलत कर रहे हो, माफी मांगो। नहीं सर, ये दिवाकर झुकता सिर्फ दो चीजों के आगे, एक देश के लिए, दूसरा खुद गलती करने पर। ए, बेकार की बातें मत करो, जनता ने हमें क्यों चुना है पता है क्या तुझे? ये जानकर मैं क्या करूं सर, इलेक्ट होने वालों से ज्यादा सिलेक्ट होने वालों ने इस देश की भलाई के बारे में सोचा है और आगे भी यही सोचेंगे। इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, मगर सिलेक्शन जिंदगी में एक ही बार होता है। कल ही मैं खादी पहनकर इस देश को नचा सकता हूँ, लेकिन आप खाकी पहनकर सिर्फ रॉन्ग राइट ही नहीं, लेफ्ट राइट भी नहीं बोल पाएंगे। दिवाकर, तुम मुझे सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हो। विथ योर परमिशन सर, प्लीज। This is my suspension order and this is my resignation. आप इस पर साइन करेंगे या मैं साइन करूं, डिसाइड कीजिए। खाकी को बदनाम करने वाले सभी लोग मेरी नजरों में क्रिमिनल हैं।
तुम्हारे डिपार्टमेंट में कैसे कैसे क्रिमिनल है पता है? कोई खून करता है, कोई रेप करता है, कोई चोरी चमारी करता है। ये सब गुनाह छुपाने के लिए तुम लोगों को खाकी चाहिए, खाकी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, खाकी हो चाहे वो खादी हो, खत्म कर दूंगा उसे, खत्म। दैट इज माई ड्यूटी। नमस्ते भाई। क्यों रे, रूम अच्छे से साफ करके रखा है ना? क्या भाई, हमारे होटल में ऐश्वर्या आएगी क्या? यहाँ जो लड़की आ रही है कौन है पता है? सांगली में एक कोंटेगंज गांव है पता है, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल तो है ही नहीं, वहीं पढ़कर इस लड़की ने फर्स्ट रैंक लिया है। अरे इतनी सी बात है? इतना ही नहीं, ये देखकर हमारी सरकार उस लड़की को इनाम दे रही थी, लेकिन उस लड़की ने लिया नहीं, वहाँ आंदोलन करके एक स्कूल बनवाया, इस वजह से हमारे सीएम साहब ने सम्मान समारोह रखा है, ये देख पेपर में भी छपा है। कितना हुआ भाई? हमेशा इसे अपने पास रखना जरूरी है क्या? लाओ मुझे दो। 22 रुपए हुए क्या? हाँ सर। ये लो। धन्यवाद सुधा। ए, तुम रुको ना, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। रहने दो भैया। मेरी बात मानो सुधा। भैया पैरों के बगैर जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के बगैर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जिद्दी लड़की है ये। जिद्दी है तभी तो ना आज मुख्यमंत्री से ये सम्मान पा रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ही मराठा कृष्णा हूँ सर। हाँ हाँ, आप ही ने फोन किया? मैंने ही फोन किया था सर। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी है सर। क्या? बहुत बड़े क्रांतिकारी है। ओहो, बहुत बड़े क्रांतिकारी। साले मेरी खींच रहे, ये वीडियो शूटिंग वाला किधर है? आज वो नहीं आएगा, बहुत बिजी क्या है। क्या कह रहे हो? लीजिए मैडम। मैडम एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान ही हूँ। फिल्म स्टार तो सपनों में आकर चले जाते हैं, पर आप तो जीवन में स्फूर्ति भरती हो, स्फूर्ति। ऐसा कुछ नहीं है, एक गांव में मंदिर से ज्यादा स्कूल बनवाना बेहतर समझा बस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये बात पेन है। मेरा है। वो रूम कहाँ है? रूम रेडी है सर, नंबर 4 फर्स्ट क्लास रूम है। वाओ भैया, रूम से ज्यादा बालकनी कितनी अच्छी है ना? रूम बालकनी सब कुछ बहुत अच्छा है, पर फर्स्ट फ्लोर है सुधा, तुम्हें चढ़ने उतरने में काफी तकलीफ होगी। भाभी तकलीफ को तकलीफ देने से तकलीफ खुद ही भाग जाती है। देखो अगर तुम लोग यूं ही बातें करते रहोगे तो जिस काम के लिए आए हैं वो भूल जाएंगे। देखो भाई, फंक्शन में जाने से पहले मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवा कर भगवान के दर्शन करके आ जाना चाहिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठ द्रविड उत्कल वंदा विंध्य हिमाचल यमुना शुभ आशीष माघे जन गण मंगल दायक जय हे भारत जय हे जय हे।
जो काबिल ना हो वो आज के बाद राष्ट्रगीत नहीं गाएगा। ये आज से मेरा बनाया हुआ नया रूल्स है। गो एंड कैच हिम। मैं उसे शूट कर दूंगा। कर दूंगा तुझे। वाह, पानी वेस्ट हो रहा है। गांव के कितने लोगों को पानी नहीं मिलता और यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है। कौन है आप? सवाल मत पूछ, यहाँ वैसे भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। आए बड़ी सवाल पूछने वाली, ये देश पूरा सवाल बनकर बैठा है और ऊपर से तुम सवाल पूछ रही हो। देखिए फैमिली रूम है। फैमिली रूम कहाँ है? फैमिली फैमिली रूम कह रही हो? यहाँ फैमिली नहीं है। जिसे लोग मंदिर कहते हैं वहाँ भगवान ही। इस देश में साला कोई सही मतलब का काम करता ही नहीं। रघुपति राघव राजा राम। ओ दादाजी सॉरी सॉरी, आपने आजादी दिलाई बोलकर रख दिया आपके नाम से महात्मा गांधी रोड। आपने भलाई की, आपको सिर्फ गोलियां मिली। आपने औरतों को मर्दों के बराबर का दर्जा दिया, उन्हें आजादी दिलाई, इसलिए सुबह तक घूमते ही रहते हैं, वो भी कम कपड़ों में। पूछने पर कहते हैं गांधी जी की राह पर चल रहे हम, सब उल्टा हो रहा है। तुमने दुनिया देखी है? हमारा देश लाखों में कहते हैं मगर सिर्फ बुराई में भलाई कोई नहीं करता, इसके बावजूद भी तुम सवाल पूछती हो। हाँ जवाब कभी नहीं मिलेगा, सवाल करते रहना। भी मत करना। प्लीज ए
इस जिंदगी में वफादार जिंदगियां बहुत कम बची है, तुझे नहीं मारूंगा। नमस्कार, आज तक न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ नायक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे राज्य की जनता को इस भयानक घटना के प्रति बेहद दुख हुआ है। मुख्यमंत्री पर गोलियां चलाने वाला शख्स पुलिस के हाथों से बच निकलने में कामयाब हुआ है, लेकिन पता चला है कि इस भागदौड़ के दौरान शहर के फुलमून होटल के एक रूम में किसी तरह से घुसकर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होने वाली सांगली के कौटेगंज गांव से आई हुई सुधा नाम की एक विकलांग लड़की को उसने बंदी बनाकर रखा है और उसका ये कहना है कि जो उसके रास्ते में आएगा उसे वो गोली मार देगा। ऐसे में पुलिस वालों का कहना है कि बिना किसी को कोई हानि पहुंचे उस अपराधी को वो गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त पुलिस वाले होटल के चारों तरफ तैनात होकर बंदूक तानकर खड़े हुए हैं। अपराधी ने मुख्यमंत्री को मारने की कोशिश की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही आगे की जानकारी के साथ हम अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे। नमस्कार। लड़की को अंदर कैद करके रखा है, यही मौका है कुछ आइडिया लगाकर फेमस होने का। वेलकम वेलकम दिवाकर, वेलकम। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। इट्स ऑल राइट सर। इतने नाराज क्यों हो भाई, सस्पेंशन को रिवोक कर दिया मैंने, थैंक्स बोलो भाई। सर थैंक्स सिर्फ दो लोगों को बोलना चाहिए, एक देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को और दूसरा टैक्स भरकर हमें पाल रही जनता को। पुलिस का जुनून बोल रहा है ना, वर्दी के बगैर। सर आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन होने के बाद वर्दी का जुनून देखा, लेकिन मुझमें पैदाइशी जुनून है। दिवाकर तुम्हारी बोली गोली की तरह है, क्रिमिनल से तुम बात नहीं करते सीधा गोली मारते हो, और इसी वजह से हम तुम्हें इस ऑपरेशन पर भेज रहे हैं। प्रोसीड। अगर नहीं भेजते तो बहुत पछताते सर। चल, चल, चल। ए ऑफिसर, सरकार जो तुम्हें पेमेंट देती है तू उससे ज्यादा रिस्क ले रहा है, गो बैक। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम्हें मेडल मिलेगा? ए, तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं गोलियां मिलेगी, बेकार में अपनी जान मत गवा, गो बैक, गो गो। साले पुलिस वाले गन उठाकर पोज देने आ जाते हैं, मुझे अकेले को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स भेज दी, सरकार बेकार में इनके पीछे पैसा खर्च करती है, छे। और ऊपर से ये लोग अकल नहीं, इन्हें ऐसे खड़े जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है। साले मुझे विलन समझते हैं, विलन समझते हैं। सॉरी, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, जस्ट गेट लॉस्ट। ओह स्वाभिमान, इस गन से डेंजर होता है, मॉडर्न वुमन ऑफ इंडिया नमस्कार। तू झांसी की रानी है समझकर तेरा भाई तुझे अकेला छोड़कर गया, अब वो आओ बहना ऐसा गाना गाकर तुझे बुलाएगा, वो नहीं आएगा। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो मंदिर पूजा करने गए हैं। ओह मंदिर में गए भेंट चढ़ाने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। भगवान मैं तुम्हें ये दूंगा तुम मुझे वो दो, भगवान मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा तुम मुझे धन दो, 3 महीने में बाल आ जाते हैं ये पता होता है इसलिए सर मुड़वाकर आ जाते हैं। वो भगवान लोगों का चढ़ावा हजम करते रहता है और ये पागल लोग चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। ए, 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 भगवान भी पॉलिटिशियन है, कुछ नहीं करता वो, सब हमें ही करना पड़ता है, इसलिए मैंने समाज की भलाई के लिए सीएम को मार डाला, तुम्हारे सीएम को मार डाला मैंने। झूठ, तुमने समाज की भलाई के लिए ऐसा काम नहीं किया है,
तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। बताओ तुमने उन्हें क्यों मारा? जानना चाहती हो उसे क्यों मारा? जन गण मन राष्ट्रगीत गाने के बजाय वो पैसा 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 का जाप जपते रहता है। जो लोग काबिल ना हो राष्ट्रगीत नहीं गाने चाहिए, इसलिए उसे मार डाला। पानी की कीमत खून से ज्यादा महंगी हो गई है, इसलिए उसे मार डाला। दिन ब दिन अनाज का दाम बढ़ते जा रहा है, इसलिए उसे मार डाला। बस रेंट का रेट बढ़ गया, इसलिए उसे मार डाला। वाटर बिल, लाइट बिल, राशन बिल, दूध का बिल और कई सारे बिल। पहले कितने लोग इन बिलों के चक्कर में बर्बाद होकर रह गए, और आज भी इस महंगाई के जमाने में हमारी गरीब जनता का पसीना नहीं, खून खून बहा रहा है। वोट डालने की उम्र नहीं हुई तुम्हारी और तुम सवाल पूछती हो? सीएम का रहस्य नाम की किताब लिखोगी क्या? बताओ या अपने भगवान से भीख मांगोगी? हाँ, मैं भीख मांगूंगी। क्या? दुष्टों को दूर रख, ऐसी प्रार्थना करूंगी मैं। सॉरी सॉरी, उसने सुना नहीं, वो बहरा है बहरा, इसलिए दुष्ट सामने आ गया। आप क्या करोगी? हाँ, प्रार्थना करती रहूंगी। दुष्टों का अंत होने से पहले उन्हें अच्छी बुद्धि दे, ऐसी हमेशा प्रार्थना करूंगी। नो नो नो, मेरे लिए गन ही भगवान है, इसके अंदर की गोली ही प्रसाद है। टिकट दबाते ही मुक्ति मिलेगी। दिस इज माई गॉड, दिस इज माई गॉड, दिस इज माई गॉड, दिस इज माई गॉड। एनी इन्फॉर्मेशन? बहुत खतरनाक है सर। क्यों, पुलिस डरपोक है क्या? ये बात नहीं है सर, वो एक बार हम पर गोली चलाकर हमला कर चुका है। एनी डिमांड? अब तक तो कुछ भी नहीं मांगा सर। उस रूम में दोनों के अलावा और कोई भी है? पता नहीं सर। नमस्ते सर, आप कौन है? मैं इस होटल का मालिक हूँ सर। अच्छा, आपके होटल का नाम फुल मून है ना? कितने रूम है? 10 रूम है सर। सारे रूम फुल हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ 2 रूम फुल हैं। और ऊपर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता है क्या? नहीं सर, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। टेलीफोन लाइन्स कितनी है? 4 हैं सर। सभी काम करते हैं? नहीं सर, 2 लाइन बिल ना भरने की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है। उस अपाहिज लड़की के रूम में फोन है? है सर, मगर थोड़ा वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से डेड पड़ा है। क्या होटल है यार? नहीं सर, नहीं बुला सकते, वो मर चुके हैं। इस होटल का ब्लू सर, एमसी में सर्वे ऑफिसर से बात करके मंगवा दूंगा सर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। मिस्टर सिद्धार्थ, आप इसे पर्सनली अटेंड कीजिए। यस सर। शुक्र है सर, गोली नहीं लगी, उसका निशाना जरा सा चूक गया सर। चूका नहीं, ही इज ए परफेक्ट शूटर। मतलब सर? मतलब वो जानबूझकर चूका। उसके शूट करने का डिस्टेंस देखकर साफ पता चलता कि हम में से किसी को भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर चूक गया। तो क्या हमें डराने के लिए उसने ऐसा किया? नहीं, हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो अपने मकसद में अटल है। हमें भी अपने मकसद में अटल होना चाहिए। मूव, टेक योर पोजीशन। ओके सर। मिस्टर सिद्धार्थ सर, इस बिल्डिंग के बाईं तरफ साउथ फेसिंग एक खिड़की है, देख रहे हैं आप? सर, वो खिड़की शायद बाथरूम या रूम की होगी। सर, उसके नीचे एक पाइप है। सर, उस पाइप से चढ़कर आप खिड़की के पास पोजीशन लीजिए। ओके सर। मैं यहां से उसे डिस्टर्ब करता हूं। ठीक है सर। अगर उसने खिड़की ओपन की, शूट हिम। हाँ सर, पूरी होशियारी से। ओके सर, गो। ओके सर। हेलो हेलो, मैं एसपी दिवाकर बोल रहा हूँ। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। मैं अब भी तुम्हें एक मौका देता हूं, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर तुम्हारी मांगे हो तो सरकार से मैं बात करूंगा। मेरा विश्वास करो और सरेंडर हो जाओ। उस लड़की को बंदी बनाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं। भाई साहब, क्या हुआ यहाँ पर? कोई आतंकवादी उस लड़की को किडनैप करके मारने की धमकी दे रहा है। सुधा, 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 सुधा। चाहिए आप सुधा को लेकर आइए। छोड़ो मुझे। सुधा, सुधा, भैया।
कौन है वो? वो मेरे भैया भाभी है। झूठ मत बोल। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे भैया भाभी है। उनसे कहो कि वो चिल्लाए नहीं, यहाँ आने से मना करो। सर, वहाँ मेरी बहन अकेली है सर, वो ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, डरिए मत, लड़की को किसी ने बंदी बना लिया है, थोड़ी देर में छुड़वा लूंगा मैं। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, मुझे सुधा से मिलना है, मैं सुधा के पास जा रही हूँ, मैं सुधा के पास जा रही हूँ। मैं ऊपर आ रही हूँ, मैं ऊपर आ रही हूँ। मेरी बात मानो, कोई ऊपर नहीं आएगा, नहीं तो लड़की को खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे मार दो, पर उसे कुछ मत करना। भाभी, भैया, आप लोग ऊपर मत आइएगा, मैं यहाँ ठीक हूँ, भगवान के लिए आप लोग ऊपर मत आइए। सुधा, उसे मारा नहीं फिर भी रो रहे हो, उसे मार दूंगा सच में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, उसे कुछ मत करना। लेकर जाओ उसे। मैं इसे लेकर जाता हूँ। जिद मत करो, जाओ। वो अभी सुधा को मार देगा, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो, कुछ मत करना। मिस्टर सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? सॉरी सर, आई कुडंट टेक हिम। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ ना? शी इज ऑलराइट सर। सर सर, हमारी सुधा को उसके हाथों क्यों मरवाना चाहते? आप ही सुधा को मार दीजिए सर, मार दीजिए आप ही उसे। सर, भगवान के लिए हमारी बात मान लीजिए सर, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए सर, प्लीज। मेरी बहन की जान खतरे में, उसकी मांगे पूरी कर दीजिए सर, प्लीज। मेरी बहन को बचाइए सर, प्लीज सर, प्लीज। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। मिस्टर लिसन टू मी, लिसन टू मी, हमें क्या करना चाहिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, कीप क्वाइट। सर, सुधा के अलावा हमारा कोई नहीं है सर, उसके प्यार में कोई कमी ना हो सोचकर हमने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा सर। देखिए, परेशान मत होइए, इट्स ओके, इट्स ओके, सिद्धार्थ को संभालो। देखिए, उसे कुछ मेरी नहीं, मेरी बहन को बचाइए सर, बिल्कुल ठीक, डोंट वरी। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा कर। हाल ही में हुए दुर्घटना में मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ नायक जी पर जानलेवा हमला किया गया था। उनकी स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है। अपने नायक के प्रति स्नेह और गंभीर हालत होने की वजह से उनके अभिमानी इस बात की चिंता प्रकट करते हुए उनके घर के बाहर भारी मात्रा में इकट्ठा होकर उनके ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस आतंकवादी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर कर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, पूरे शहर में चक्का जाम हो गया है, करीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। शहर के सभी इलाकों में पुलिस बंदोबस्त सख्त करके हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ऐसा पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ राव जी का कहना है। आई एम एसकेआर मेडिकल एक्सपर्ट। हां, ये डॉक्टर मापी का इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर, एक क्रिटिकल पोजीशन है, ऊपर के एक रूम में क्रिमिनल ने एक हैंडीकैप लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है। उस रूम का साइज 20x20 या 20x30 हो सकता है। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नो नो, टियर गैस का इस्तेमाल करने से उस क्रिमिनल की आंखें बहुत जलने लगेगी, वो परेशान हो जाएगा और हो सकता है वो गुस्से में आकर रिएक्ट करे और फायरिंग भी कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पाइपलाइन के जरिए क्लोरोफॉर्म गैस का डोज दे सकते हैं क्या? उस लड़की की हालत कैसी है क्या पता है, और ऊपर से आप कह रहे कि वो पेशेंट भी है, अगर डोजेस कुछ ज्यादा हो गए तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इट्स टोटली फेटल सर। और सर, कोई दूसरा तरीका नहीं सर, है क्या? विल हैव टू सिट एंड डिस्कस। ये श्रीमान कौन है, आपने बताया नहीं सर। आप यहाँ क्यों आए सर? ये क्लोरोफॉर्म की क्या बात कर रहे हैं सर? हम आपकी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। क्लोरोफॉर्म का नाम सुनकर मुझे डर लग रहा है सर। प्लीज गो, ए इधर आओ सर, इनको ले जाओ सर, चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए चलिए। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कमी है, कमी है, हम ऐसा हर किसी को नहीं देंगे, ये सरासर अन्याय है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हम चुप्पी कर देंगे, छोड़ेंगे, चक्का जाम कर देंगे, शहर में आग लगा देंगे, सब तहस नहस कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को, नहीं छोड़ेंगे। साले नौटंकी, मौका मिलते ही आंदोलन शुरू कर देते हैं। हेलो विजय, मैं शिवा बोल रहा हूँ विजय। हेलो,
नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। कुछ भी करके हमें उसे छुड़ाना होगा। कैसे छुड़ाएंगे, वहाँ चारों तरफ पुलिस है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शिवा, मुझे तो लगता है जल्दबाजी करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जब तक उसका मैसेज नहीं आता हमें इंतजार करना चाहिए। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ करना ही होगा। यहाँ से वहाँ चक्कर क्यों काट रहे हो? हाँ, कौन सा रास्ता सही है ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो ना? तुम अपने मकसद के पक्के ही नहीं हो। ए, बहुत बोल रही हो, तुम कौन सी पक्की हो? यहाँ किस लिए आई हो? भगवान का दर्शन करने के लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए या भजन करने के लिए? ये सब करने से तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, तुम पायलट बन जाओगी, देश का नाम रोशन करोगी, यही ना? ए, ये मकसद नहीं, सपना है। सपना आज की जनरेशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये। मकसद क्या है, सपना क्या है, नहीं समझते? क्या है तुम्हारा मकसद, बताओ। कमोन कमोन, तुम्हें समझाना, भैंस के आगे बीन बजाना होगा। भैंस भैंस भैंस, यस भैंस है, सब भैंस है। वोट करने वाले भैंस, घास खिलाने वाले पर भरोसा नहीं करते और कसाई के आगे अपना सर झुका देते हो, उसे वोट देते हो, प्यार करते हो, सर पर बिठाते हो, जान भी देते हो। मैं गद्दार नहीं, वो गद्दार है। तुम्हारी नजर में वो गद्दार होगा, लेकिन मेरी नजर में वो ही असली नायक है। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात बताया और उन्होंने हमारे गांव वालों के लिए हमारे गांव में एक स्कूल बनवाया है और आज मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है। He is a real leader. Hey, फिल्मों की तरह डायलॉग मत मारना। उसने स्कूल क्यों बनाया मैं उसकी वजह जानता हूँ। वो सब राजनीतिक खेल है, पॉलिटिक्स, तंत्र तंत्र ट्रिक्स, पॉलिटिक्स। ए टीनेज, ये सब पॉलिटिक्स माइलेज है, तेरी समझ में नहीं आएगा, सवाल मत कर, चुपचाप सो जा, सपने देख, नींद में ही सपने देखना, जागने के बाद सपने मत देखना। You'll scream when you'll come out of your dream. Mind it! ये तो महाभारत की कथा सुनाने वाली बात हो गई। मिस्टर राउस, लड़की के यानी आपकी बहन के दोनों पैर नहीं है क्या? पैर तो सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। उसकी दोनों पैरों की शक्ति जा चुकी है सर, वो दो कदम भी बैसाखी के बगैर नहीं चल सकती सर। ऐसे में वो पापी पता नहीं उसको क्या तकलीफ दे रहा होगा। देखिए, फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने कभी उसका इलाज नहीं करवाया? सब करके देख लिया सर, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ किसी स्वामी जी को उसे दिखाने के लिए लाए थे सर। अच्छा, डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाते हैं क्या? करवाते हैं, पर उसका इन चीजों से पूरी तरह से विश्वास उड़ चुका है सर। मतलब डॉक्टर का चेकअप चल रहा है? चल रहा है। थैंक्स ऑफिसर्स, बी अलर्ट, किसी भी वजह से उसे उकसाना नहीं, मैं जल्दी आ रहा हूँ। यस सर। यस सर। पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। रोबोट, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब। इट्स ऑलराइट, आई एम दिवाकर। ओह प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर, देखिए, हम दोनों को मिलकर अटेंड करने जैसी एक समस्या आन पड़ी है। इमीडिएट। दोनों को मिलकर अटेंड करने जैसी समस्या? व्हाट डू यू मीन? एक आदमी ने हमारे सीएम पर हमला किया और किसी तरह से बच निकला वो, और एक अपाहिज लड़की को बंदी बना के उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। हमें उस लड़की को किसी भी तरह से सही सलामत छुड़ाना। ये तो पुलिस का काम है, भला वहाँ मेरा क्या काम हो सकता है? है डॉक्टर, वो पूरी तरह मैं समझा दूंगा, बट आई नीड योर कोऑपरेशन। आपका जो ऑपरेशन है, हमारा जो ऑपरेशन है, आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। हमारा पेशा भले ही अलग अलग हो, पर मकसद एक ही है। लेट मी कम टू द पॉइंट। बंदी हुई उस लड़की को ट्रीटमेंट देने की आड़ में उस रूम में पहुंचकर उसके अटेंशन को डाइवर्ट करके कोई तो एक कंफ्यूजन कोशिश करने से कोई तरकीब है बताकर मुझे ही मुसीबत में डालना चाहते हैं आप? आप उस लड़की को कोई ऐसी गोली दीजिए जिससे उसको दर्द होने लगे, तो डॉक्टर को ऊपर जरूर बुलाएगा। आप वहां जाने के बाद इस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले जाना ही होगा, ऐसा फोर्स करके आप उस लड़की को। उससे पहले वो मुझे शूट कर देगा, बाद में फ्यूचर में मैं भी ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, आपका ऑपरेशन भी क्लोज होगा, और वो लड़की मर गई तो क्या करेंगे? देखिए, उस लड़की की कंडीशन अब भी क्रिटिकल ही है और ऐसी ही रहेगी इफ वी डोंट टेक एनी अदर फर्दर स्टेप्स। देखिए, अगर वो लड़की मर गई तब आप अपनी नौकरी तो जरूर खो देंगे, लेकिन मैं अपनी नौकरी क्यों गंवाऊं? लोग, डॉक्टर, ये बहस करने का समय नहीं है, इससे पहले आपका पेशेंट मरा नहीं है क्या? देखिए, आपके डिपार्टमेंट की तरह हमारा डिपार्टमेंट किसी की जान से नहीं खेलता। वी आर हियर टू सेव देम, यू नो दैट। हम अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के प्राणों की रक्षा करते हैं और आप लोग पैसे लेकर मारते हैं। देखिए डॉक्टर, ये सब कुछ भूल जाना ही बेहतर होगा डॉक्टर, और एक इंसान की मदद मांग रहा है ऐसा समझिए। यहाँ
इंसानियत की कोई कमी तो नहीं है ना? आइए जल्दी आइए, पता है मैटर कितना सीरियस है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम लोग खेल खेल रहे हो क्या? कहाँ है तुम्हारा इंचार्ज ऑफिसर दिवाकर? घूमने गया है हाँ, ड्यूटी छोड़कर घूमने गया है? ये रघुराज दिखने में जरूर छोटा है मगर बहुत बड़े बड़े काम किए मैंने। एक मामूली खूनी को पकड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग तो उस दुबई में बैठे हुए डॉन को क्या खाक पकड़ोगे? प्लीज क्या कह रहे हो? देखो तुम्हारा डिपार्टमेंट किसी लायक का नहीं है, बिल्कुल निकम्मे हो। मैं तुम लोगों की वर्दी उतरवा दूंगा। भाई आप अखबार के एडिटर है ना, आपके पास पेन है ना, जरा दीजिए। अब ये लोग भी लिखना शुरू करेंगे। ये लीजिए, पकड़िए इसे, जो करना है कीजिए। हेलो 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 श्रीमान खूनी जी, मैं इस शहर के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का मेन एडिटर हूँ और मेरा नाम रघुराज है। आप मुझे अपनी मांगे बताइए। देखिए यहाँ की सरकार और आपके भी सेटलमेंट करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कल मैं फिर आऊंगा, आप तैयार है ना? मेरी मूछ नहीं है समझ कर मेरी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने अच्छे अच्छे मसले सुलझाए हैं, आप जहाँ जाना चाहे वहाँ सुलझा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसे कुछ नहीं हुआ है, हाँ इसे कुछ नहीं हुआ है, हाँ तुझे कुछ नहीं हुआ है, बोल चल बोल, बोला भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोल भैया, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ भैया। सेटलमेंट की बात करता है, सेटलमेंट की नाटा साला। ओके आई अग्री, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप अकेले नहीं, आपके साथ एक नर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट शी हैज टू बी इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट। हाँ कम इन तुलसी, कम इन। ये है, समझ गई डॉक्टर, इनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। That's okay, तुलसी। मैं तो इस काम के खिलाफ हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जान भी जा सकती है। जानती हूँ डॉक्टर, बिना किसी मकसद की जिंदगी जीने का क्या मतलब? अगर बिना कुछ किए जान चली जाए तो उस जान की कोई कीमत नहीं होती। That's very good। आप जैसे लोग हमारे प्रोफेशन में होने चाहिए थे। मैं राजी हुई हूँ तो अपने प्रोफेशन की इज्जत बचाने के लिए। That's great। No sir, nobody is great here। I'm just doing my duty। बताइए मुझे क्या करना होगा? देखिए बंदी हुई उस लड़की को हर हाल में बचाना हमारा कर्तव्य है। सो वी हैव टू डाइवर्ट द किलर्स अटेंशन। इस कोशिश में आपको एक नर्स ही नहीं, एक औरत की तरह, मतलब किसी भी तरह से आपको उस किलर का अटेंशन डाइवर्ट करना होगा आपकी तरफ, मतलब आई मीन जस्ट टू गेट द अटेंशन अवे फ्रॉम द होस्टेज। वेरी गुड आइडिया। आपकी शादी हुई है क्या? हुई है। तो क्या यही बात आप अपनी पत्नी से कहेंगे? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इतनी सारी मुसीबतों का जड़ होने वाले उस शख्स को एक क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि एक पेशेंट की तरह देखिए। हाँ हाँ, तब आपका हर एक स्पर्श उसको बहकाएगा नहीं, उसे ठीक करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके प्रोफेशन की इज्जत आपके हाथों में है। तो चले क्या? ए, भागने की कोशिश मत करना, जान से मार दूंगा। भागने की कोशिश तो तुम कर रहे हो, मौत से पीछा छुड़ाकर भाग रहे तुम हो, सच्चाई और जमाने का सामना किए बिना उनसे छुप रहे तुम हो। तुम में ना ही जुनून है ना ही हिम्मत है, हाथ में बंदूक पकड़कर लोगों को डराने वाले डरपोक हो तुम। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? बातों से मारती है, I'll kill you, I'll kill you। You cannot, क्योंकि
तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम जिंदा रहोगे। अगर मैं मर गई तो पुलिस वाले तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। तुम्हारी मौत पर कोई रोएगा भी नहीं। You are a coward. No. You can't do anything. No. Poco. You are a coward, no. man. No, I'm not coward. I'll kill you. मैं सबको मार दूँगा। कमी है। कमी। भागो। निकलो यहाँ से। सिद्धार्थ क्या हुआ, ये सब क्या है? सर उस खूनी ने शूट कर दिया सर। कैसे शूट किया? मैंने कहा था उसे बिल्कुल उकसाना नहीं। सर हमने कुछ नहीं किया उसने। ऑफिसर मैंने पहले ही कहा था इस काम में खतरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। कॉर्पोरेट प्लीज, यू हैव टू कॉर्पोरेट, दैट्स ऑल। ए दिवाकर, कॉर्पोरेट कीजिए। रुको, ये सब क्या है? लोग बेकार में मारे जा रहे हैं। मैंने अगर तुम्हारे खिलाफ पेपर में क्लेम भी लिखी तो मैं चाहता हूं तुम्हारी जगह सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट बैक। मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। क्या करोगे? क्या कर लोगे? इनको जो करना चाहिए कर लो। निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छा जाइए, जाइए और पीछे जाइए, जाइए यहाँ से, पीछे जाइए, पीछे आगे मत आइए। मैंने कहा ना, जाइए, निकलिए, पीछे जाइए, पीछे और पीछे। इधर आइए। आप कैसे देख रहे थे? यही काम है आपका? देखिए, हटाओ सालों को, हटाओ यहाँ से, हटाओ। सर बताइए सर। पहले हमें आपकी बहन को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। मुझे इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ? आप उस खूनी से बात करिए। नर्स जा रही है, मेरी बहन को इंजेक्शन देना, ऐसा झूठ बोलना होगा आपको। ये सब आपकी बहन के लिए करना है, ठीक है? ठीक है सर, बोलता हूँ सर। हेलो, जरा सुनिए, सुधा को हर दिन इंजेक्शन देना पड़ता है। अजी ये आप क्या कह रहे हैं? इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा होगा। अरे ये सब अरे तुम चुप रहो, भगवान के लिए प्लीज इतना उपकार कर दीजिए। मान जाइए सर, देखिए नर्स को भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। भगवान के लिए मान जाइए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। प्लीज सर, मेरी बहन की जान बचाइए। मेरी बात सुन रही क्या? हेलो, मेरा यकीन कीजिए सर, मेरी बहन की जान आपके हाथों में है सर। तुम रोज इंजेक्शन लेती हो क्या? बचा लीजिए, बोलो। हाँ लेती हूँ। झूठ मत बोल। सच्ची, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। सर, परमिशन दीजिए सर। ठीक है भेजो, अगर कोई चाल चली तो राशि गिरा दूंगा। मुझे सुधा के पास जाना है। मुझे सुधा के दूसरा कोई नहीं आएगा, सिर्फ नर्स को भेजना। हाँ मैडम। सर वो मान गए सर। उसका इंजेक्शन रेडी करो। पर वो ए कम ऑन, हाँ जल्दी दो मुझे। ओके हाँ।
ये नहीं होगा तुमसे। अब तो पता चला ना, तुम्हारी गन को देखकर डरते हैं लोग, तुम्हारा मुंह देखकर कोई नहीं डरता है। ये इंजेक्शन है, जान बचाने के लिए होता है। ये काम तुम कैसे कर सकते हो? इंजेक्शन लगा। नहीं होगा, नहीं दे सकती। यू हैव टच्ड इट। मुझे उसे फिर से स्टेरिलाइज करना होगा। उसके लिए गर्म पानी चाहिए। ऐसे देने से इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर लड़की की जान खतरे में पड़ गई तो क्या करेंगे? भाषण मत देना, कम ऑन। मैंने उसे कुछ हुआ नहीं है। तुम सिर्फ एक नर्स का काम करना, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ये लो। ठीक है। I have to inject her. तो लगाओ। प्लीज। हाँ। जल्दी लगाओ। यहाँ दर्द हो रहा है क्या? यहाँ? नहीं। यहाँ? नहीं। मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देती हूँ, तुम्हारा दर्द चला जाएगा। Everything will be all right. Relax. Okay. Good. तुम्हें कुछ नहीं होगा. Don't worry. सेवा करके हो गया ना मदर तेरेजा? हाँ, सॉरी सॉरी सिस्टर तेरेजा। जाओ सरकार से तनख्वाह लो। ओए, थैंक्स नहीं कहोगी क्या? तुम्हें सिर्फ भाषण देना आता है, कहो। थैंक्स। काम हो गया ना, निकल। हाँ। चल। नर्स, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? नर्स, हमारी सुधा कैसी है? हाँ, कुछ हुआ तो देना। देखिए देखिए, बताइए। ओ भाई साहब, देखिए वो ठीक है। इधर आओ, हटाओ इनको। प्लीज चलिए आप। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया। हाँ, वो कैसा है? वो लड़की को मार सकता है ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं, बट ही इज वेरी अलर्ट। अगर उसे किसी भी खतरे का अंदेशा हुआ तो शायद वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश, ओ एक्सक्यूज मी सॉरी। हेलो हेलो, यस दिवाकर हियर। क्या सीएम के घर? ओके, मैं अभी आता हूँ। मुख्यमंत्री जी जल्द ठीक हो जाए, इसलिए पूरे मुंबई शहर में उनके अभिमानी और उनके पक्ष के कार्यकर्ता मन्नते, यज्ञ, होम और कई विशेष पूजा करवा रहे हैं। इस तरह से अपने मुख्य नायक की उम्र बढ़ाने के लिए सारा शहर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो इस सीएम के लिए लोगों के दिलों में बहुत प्यार है, है? हाँ सर, हर जगह प्रार्थना, यज्ञ, पूजा पाठ लगातार हो रहा है सर। हाँ सर, आपका नाम लेकर हमारे आदमी बहुत बवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिसने आप पर गोली चलाई उसे फांसी देने की बात कर रहे सर। फांसी पर चढ़ाने से वो बहुत बड़ा हीरो कहलाएगा, उसे पागल कुत्ते की तरह शूट करके फेंक दो। देखा इसे अपनी जात से कितना प्यार है, हैं? ए, जब मैं कहूंगा तभी भौंकना, समझ गए? हैं? वैसे कमिश्नर साहब, हमने दिवाकर को उसी काम के लिए भेजा था ना सर? जाते वक्त तो बड़े जोश में गया था, लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उस किलर को मारने के लिए आगे पीछे सोच रहा है। उसे आने दो, इस केस का हम आज ही फैसला करेंगे। सर, सीएम साहब को गोली लगी वो? मुझे कुछ नहीं हुआ दिवाकर, ये सब इस बुलेट प्रूफ जैकेट का कमाल है।
बेचारे, अगर ये चीज हमारे महात्मा गांधी जी को दिया होता तो फादर ऑफ आ नेशन कुछ दिन और जी लेते। हमारे पूर्वज उनके चेले थे बोलकर हम बहुत पहले ही प्राइम मिनिस्टर हो जाते। देखा कमिश्नर साहब, दिवाकर साहब हमारे पास नहीं आएंगे, हमें खुद उनके पास जाना पड़ता है। होम मिनिस्टर साहब, जरा हमारे डॉक्टर को बुलाइए, हमारे दिवाकर साहब का ब्रेन स्कैन करना, साथ इनका एनर्जी लेवल, पल्स रेट, टेम्परेचर, हार्ट बीट। अरे कमिश्नर साहब, आपने पहले कुछ कहा था ना, वो कुछ, हाँ हाँ, पुलिस वालों का खून खौलता रहता है, साथ में उसे भी चेक करवाएं। और नहीं तो क्या, उसे शूट करके फेंक दो कहा तो डॉक्टर ऑपरेशन नर्स के चक्कर में तुम कंफ्यूज होकर बैठ गए हो। इसलिए पार्ट बाय पार्ट चेकिंग करवाने के लिए डॉक्टर को बुला रहा हूँ। सर, माय पल्स रेट इज 76, हार्ट बीट इज 76, माय टेंपरेचर इज 96, माय ब्लड प्रेशर इज 80/130 एंड एनर्जी लेवल 200%। आई एम ए परफेक्ट स्ट्रॉन्ग हेल्दी बीइंग, नथिंग टू वरी सर। और हाँ सर, आपको गोली कहाँ लगी, हाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ? भौंकना बंद कर, कितनी बार कहूं तुझसे, इज्जत से सुन, उल्टा जवाब मत देना। रहने के लिए एसी रूम, स्पेशल मटन देता हूं, फिर भी मुझ पर भौंकता है, स्टूपिड डॉग। यहां गोली मारने के लिए उसे एक नहीं 7 जन्म लेने होंगे। आफ्टर ऑल तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मेरी बात तुम्हें चुभती है ना? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, यह सिद्धार्थ नायक हर चीज के लिए सिद्ध रहता है, इसलिए मुझे यह नाम दिया गया है। इस पदवी को पाने के लिए मैंने एक नहीं 7 मुकाम तय किए हैं। पहले स्टूडेंट बना, दूसरी बार गुंडा बना, तीसरी बार पार्टी प्रेसिडेंट बना, चौथी बार एमएलए बना, पांचवी बार शासक बना, छठी बार एमपी बना और अब 7वीं बार मुख्यमंत्री की पदवी मिली। इस राज्य में क्या चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, और उसे आप ठीक से एग्जीक्यूट कीजिए मिस्टर दिवाकर। सर वो, ए कुत्ते चुप, शट अप। मिस्टर दिवाकर, जस्ट शूट दैट बास्टर्ड। सारी हालातें एक जैसी नहीं होती हैं सर, सबको शूट करना ही हर समस्या का हल नहीं होता। मिस्टर दिवाकर, ऐसी हालतों का सिर्फ 2 ही अंजाम होता है, या तो किडनैपर मरेगा या किडनैप हुआ आदमी मरेगा। जनता कुछ दिन शोर मचाएगी, फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। गुनहगार के शिकंजे से एक बेगुनाह को बचाना तो हमारी पहली जिम्मेदारी है सर। वो लंगड़ी लूली तो है, उसे बचाकर क्या फायदा, सारा देश लंगड़ा रहा है, उसके मरने से ऐसा क्या होगा, दंगा होगा, बंद होगा, और ऐसा होने के लिए उसके लाखों फैंस है, ऐसी कोई फिल्म स्टार भी नहीं है वो, या विरोधी पक्ष कोई बवाल खड़ी करे ऐसी कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है। आफ्टर ऑल एक साधारण औरत है वो। वो सिर्फ एक औरत ही नहीं है सर, इस देश में हर हक पाई हुई एक प्रजा है, आप जैसों को जिताने वाली एक वोट है सर। एक वोट डालने वाले के भरोसे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता दिवाकर, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, सबको निकाल कर देने के लिए, ये कोई पैसा नहीं है, मेरी जान है ये, मेरी जान। हमारी नजरों में सबकी जान की कीमत है सर। क्या कीमती है, इस देश की आबादी जानकर दिमाग खराब होता है। देखिए, ये काम एक गुंडा भी कर सकता है, तनख्वाह लेने वाले तुम जैसे पुलिस वालों के होते हम गुंडों को क्यों बुलाएं? मतलब आपकी नजरों में गुंडे और पुलिस सारे एक जैसे ही हैं सर? मिस्टर दिवाकर, बेकार में वक्त जाया मत करो, देखो हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अब बताओ, आप उस आतंकवादी को शूट करोगे या नहीं? नहीं सर, पहले वो कौन है, आपका खून क्यों करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे और कौन कौन है, ये जानना होगा सर। एक बात बताइए, आप पुलिस वाले हैं या प्रेस वाले हैं, बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको दोबारा हमने ड्यूटी पर क्यों बुलाया ये बात पता है आपको? क्योंकि काम के वक्त आप नहीं बात करते, आपकी गन बात करती है, हैं? और अब देखा तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। गन का उपयोग करने से पहले हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। सुनो होम मिनिस्टर, जाइए वो न्यूज़पेपर और मैगजीन लेकर आइए, उसे देखने के बाद सर का उपयोग करना चाहिए या गन का, यही नहीं पता चल जाएगा। पता चला वो ना ही गांधी है और ना ही गोडसे, खत्म कर दो उसे, चाहिए तो होटल में बम लगाकर उड़ा दो।
बाकी सब मैं देख लूंगा। The situation of Mumbai's Full Moon Hotel is still serious. Meanwhile, SP Divakar has taken full charge of the situation and he assures hospitalized police constables will be out of danger. Tulsi, the staff nurse of Baba Hospital, has been involved in this operation by SP Divakar. Hostage Sudha's brother and sister-in-law are extremely tensed. The motivation behind the terrorist act is yet to be known. माहौल काफी देर से शांत है, आग बुझने से पहले कुछ करना होगा। भाई साहब, आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? 15 मिनट हो चुके हैं, वहां से एक आवाज भी नहीं आई है, जरा पता तो लगाइए। ओ इंस्पेक्टर, इंजेक्शन देने के 15 मिनट बाद पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाएगा और वो जोरों से चिल्लाएगी, कह रहे थे देयर इज नो साउंड। देखिए, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जरा चुप रहिए। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स ने उस लड़की को इंजेक्शन ठीक से लगाया, इस बात की क्या गारंटी है? आप लोगों पर भरोसा करना बेकार है, ऑपरेशन करना है बोलकर पेट को चीर कर छुरी कैंची सब अंदर भूलकर पेट सी देते हैं। उस लड़की को इंजेक्शन देते वक्त भी सुई अंदर घुसा दी होगी। ये जो कह रही है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? मेरी बहन की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए, ठीक है? क्या हिम्मत रखना है, हाँ? भगवान ना करे अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन्हें जो पूछना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। आई वॉन्ट रिप्लाई, आपको जवाब देना ही होगा। हमारे दिवाकर साहब को सीएम के घर गए हुए काफी देर हो गई, अब तक आ जाना चाहिए था। वैसे उन्होंने क्या आदेश दिए होंगे? और क्या देंगे, शूट करके कहानी खत्म कर दो कहा होगा। वो अकेला होता तो शूट कर सकते थे, पर उसके साथ वो अपाहिज लड़की भी तो है ना? अपने साहब थोड़े सरफिरे हैं, वो फायरिंग भी करवा सकते हैं। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा कर। सर, मिस्टर सिद्धार्थ सर, क्या कह रहा वो कमीना? एनी डिमांड? नो सर। स्मार्ट बन रहा है क्या? नो सर। बाहर बुलाओ उसे। कॉल दैट बास्टर्ड, आई वांट टू टॉक टू हिम। बाहर आओ, हमारे साथ तुमसे बात करना चाहते हैं। hey! परेशान मत होइए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, रिलैक्स, जाइए यहाँ से, जाइए, हटिए। दिवाकर, उस लड़की के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट टेक एनी हेस्टेड डिसीजंस। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। क्या करोगे? दिक्कत है, क्या करोगे? देखिए मिस्टर, सिर्फ आप पर जिम्मेदारियां नहीं है, हम पर भी जिम्मेदारियां हैं। उस लड़की को कैसे बचाना ये हम जानते हैं। अगर दोबारा यहाँ चिल्लाकर तमाशा किया ना, तो मैं प्रेस मीडिया किसी को नहीं छोड़ूंगा, लाठी चार्ज करवाऊंगा। मैं हर किसी से कह रहा हूँ, सबको यहाँ से मार मार के भगाऊंगा। ये इडियट केवल अभी तक निकलवाए नहीं, वो आता ही होगा सर। हेलो, विजय शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कहाँ हो? तुमने जिस जगह पर कहा था हम वहीं खड़े हैं। सामने वाली बिल्डिंग पर क्या? हाँ, खिड़की के सामने हो ना? हाँ। हाँ
हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जब मैं होटल के बाहर आने लगूं, तुम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फायरिंग शुरू करना। उस वक्त पुलिस का ध्यान उस तरफ जाएगा और तुम आसानी से निकल पाओगे, इतना ही ना? ठीक है। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, बी अलर्ट। ठीक है तुम संभल कर आना, हम तैयार हैं। वह आतंकवादी होटल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दिवाकर भी उसका इंतजार कर रहा होगा। इस बार दिवाकर चूकेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मेंटली हैंडीकैप लोगों से भरे हुए इस जमाने में मौत से भी लड़ना पड़ता है, जिंदगी से भी लड़ना पड़ता है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। धोखा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इनकी बुनियाद पर मंदिर बनाकर, उन मंदिरों में राक्षसों की पूजा करके, हम जैसे लोगों को भक्त बनाकर हमारी बलि चढ़ाने का नाटक इस दुनिया में चलता रहेगा। इस नाटक के तुम लोग सिर्फ एक प्रेक्षक हो, जस्ट ऑडियंस। आंदोलन के दौरान तालियां बजाते हो, मरने पर अपने आंखों की गंध साफ हो इसलिए चार आंसू बहाते हो, और जब पिक्चर खत्म हो जाता है तब टिकट फाड़ देते हो। बट द शो गोज ऑन, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? वो डॉक्टर आकर मेरे हाथ को लगी हुई गोली को निकाल सकता है, लेकिन मेरे सीने में जो आग है वो दहकती ही रहेगी। उस सीएम को जब तक ना मारूं, दहकती ही रहेगी। अगर इससे पहले तुम मर गए तो वो किसी और के हाथों से मरेगा। आज नहीं तो कल वो हम जैसे लोगों के हाथों जरूर मरेगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसकी मौत। तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता ही रहेगा। उस दिवाकर को आतंकवादी को शूट करने को कहा, उसने हमारे भेजे हुए लोगों को शूट कर दिया। सर, अपने दो आदमियों को भेजू क्या? नहीं नहीं, हमारा राज फाश हो जाएगा। इसकी गर्दन की दाहिनी ओर एक तिल है, इसे नोट कर दो। ये कौन है, कुछ पता चला क्या? सर, ये लोग हमारे क्रिमिनल लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन इन्हें पॉलिटिकल सर्कल में देखा है शायद। पॉलिटिकल सर्कल? सर, एम्बुलेंस बुलवाकर लाशों को भिजवा दूं क्या? इससे एम्बुलेंस की क्या जरूरत है, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में डाल के भिजवा दो। सर, हमने उनका काफी पीछा किया पर वो हमारे हाथों से बच निकले, अब क्या करें सर? वापस आ जाओ, जब ये रूम से बाहर आएगा तब वो भी मिल जाएंगे। वापस आ जाओ। ओके सर, आ रहे हैं सर। स्पॉट क्लियर करो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। ऑफिसर, उस नर्स को ऊपर भेजो, लड़की के पेट में दर्द हो रहा है। आइए आइए मैडम, आइए।
आइए जल्दी आइए। उस लड़की के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, इसलिए वो ऊपर बुला रहा है। मैंने जैसा आपको कहा था वैसे ही उसको कंफ्यूज कीजिएगा। आप खुद कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे ठीक से बताइए। ए ऑफिसर, तुम्हारा डिस्कशन हाउस की वो जंगल में रहता है ना, जो लोगों को किडनैप करता है, उसको पकड़ने के लिए रखो। वही वही करीम खान जिसकी नकल तुम अच्छी तरह करते हो ना, उस पर आजमाओ, मुझे नहीं आजमाना। या हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हॉस्पिटल में ले जाना होगा, ऐसा कन्विंस करना। अगर वो नहीं माना तो? यू कैन कन्विंस हिम, कन्विंस हिम। नर्स की तरह या औरत की तरह? ओ प्लीज। ए मदर टेरेसा, उस मेडिकल किट में सिर्फ दवाई होनी चाहिए, दूसरा कुछ निकला तो तुम्हें सीधा परलोक पहुंचा दूंगा मैं। जल्दी आ। ए मैडम, एक मॉडल रैंप पे चलती है, वैसा क्या चल रही है, जल्दी आ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ, जल्दी देख। दर्द हो रहा है यहाँ? नहीं होगा, मैं डायग्नोस नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई पेन किलर गोली खिला दे। नहीं होगा, इसे क्या हुआ ये पता ही नहीं चल रहा है। क्या मेडिकेशन देना है ये कैसे पता चलेगा? अगर गोली देने से उल्टा रिएक्शन होकर ये मर गई तो? मर गई तो सरेंडर हो जाऊंगा, समझ रही हो क्या? तुम्हें बंदी बना लूंगा। कम ऑन, ट्रीट हर। नहीं, डॉक्टर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है क्या? नहीं है। डॉक्टर। यस। मुझे लगता है अब तक तुलसी ने उसे कन्विंस कर लिया होगा, आपके बगैर ट्रीटमेंट नहीं होगा ऐसा कहा होगा। एनी मोमेंट वो आपको बुला सकता है, अलर्ट रहिएगा। आई एम रेडी ऑफिसर, नॉट ओनली विथ योर मेडिसिन, विथ योर ब्रेन्स। रूम में जाते ही उस लड़की को ट्रीटमेंट देने के बहाने से आप किसी भी तरह से उसकी गन छीन लीजिएगा, इतना कीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ए डॉक्टर, उस लड़की के पेट में दर्द हो रहा है, क्या दवाई देनी है जल्दी बताओ। वो जल्दी जल्दी चेक करके पता चलेगा। ए, तुम ही उसके रेगुलर डॉक्टर हो ना, तुम नहीं जानते क्या? बोलो। फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है नहीं जानता, इसलिए चेक करके देखना होगा। चेक करोगे तुम? सर दर्द सर्दी के लिए स्कैनिंग, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट करना है बोलकर बिल बढ़ाकर लोगों को मारते हो। तुम लोगों को तो एड्स का इंजेक्शन देकर मार डालना चाहिए। जल्दी बता, नहीं तो तेरी नर्स भी नहीं रहेगी और ये लड़की भी नहीं रहेगी। जल्दी बता बता। तुलसी, प्लीज डू वन थिंग। हां, ए सुनो, एक से सुनो। यूज दैट एंटीसेप्टिक स्पेक्ट्रोमाइसिन। 2 मिनट बाद टेंपरेचर चेक करना। ये सब क्या हो रहा है? देन चेक द पल्स रेट। डोंट पैनिक। ओके, समझ गए ना? हां, चलो। हुआ क्या? हां, हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ। देखिए, ऐसी हालत में आपके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना बेहतर होगा। नहीं, नहीं चाहिए। देखिए, आपको गोली लगी है, सेप्टिक भी हो सकता है, बाद में हाथ काटने की भी नौबत आ सकती है। सोच लीजिए, मैं आपकी ही भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज। क्या ये? इंजेक्शन। जानता हूँ, बैंडेज लगा है ना, इतना बहुत है। इट्स जस्ट अ पेन किलर, आपका दर्द कम हो जाएगा। नहीं चाहिए। नहीं लेंगे तो दर्द कम नहीं होगा। ओह, तो फिर तुम पहले लगाओ, बाद में मैं लगाऊं। पर मैं क्यों लगाऊं? लगाओ। I don't need it। कहा ना लगाओ। प्लीज। पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ, बैठो। लगाओ। जल्दी।
देखो उसे नीचे रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ हाँ, प्लीज 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 नीचे रखो। तुम्हें मारूंगी ऐसा लग रहा है ना? तुम्हें ऐसे मारने से तुम्हें बहुत ही आसान मौत मिल जाएगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अपने आप को मारूंगी मैं। ए, ए, ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी, अब तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। नहीं सुधा, नहीं सुधा, पागल मत बनो, नीचे रख दो, इट्स डेंजरस, रख दो प्लीज। क्या कहा था तुमने? ये गन तुम्हारी भगवान है, बुलेट प्रसाद है, ट्रिगर दबाते ही मुक्ति मिलेगी। हाँ, अब तुम्हारा भगवान मेरे पास है, मैं जो कहूंगी ये वही सुनेगी। बोलो, हमारे सीएम को क्यों मारना चाहते हो? बोलो। आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम समझ नहीं पाओगी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मेरे ही कंधे पे बंदूक रख के तुम इतने सारे लोगों को डरा रहे हो, अब तुम नहीं डरा पाओगे। मैं अपनी जान दे दूंगी। उस पापी के लिए तू अपनी जान क्यों गंवा रही है? मेरा मकसद भले ही पूरा ना हो, तुम मुझे मार दो, पर खुद को मत मारना प्लीज। अपने मकसद के लिए तुम मरने के लिए भी तैयार हो? मतलब जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। उस मकसद के लिए मैं भी मरने को तैयार हूँ। हम दोनों की मौत से ज्यादा अगर तुम्हारा मकसद बड़ा है तो उस मकसद को मिटने मत देना। तुम्हारे साथ क्या हुआ था बोलो? श्री विवेकानंद विद्या संस्था की 50वीं वार्षिक उत्सव की खुशी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कॉलेज की एक विद्यार्थी ने बीएससी सेकंड ईयर की परीक्षा में पूरे राज्य में अव्वल आकर इस संस्था का नाम रोशन किया है। इस युवती की प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए हमारे इस क्षेत्र के शासक और उन्नत शिक्षा सचिव सिद्धार्थ नायक जी उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारी विद्या संस्था की रैंक विजेता होनहार विद्यार्थिनी कुमारी विद्या को मंच पर आने की गुजारिश करते हैं। इस सम्मान के साथ 5,000 रुपए नगद, प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। जाओ विद्या। लड़की जात को बोझ मानने वाले इस युग में मेरे माँ मेरे भाई ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मेरे लिए उन्होंने दिन रात एक की है। मेरी माँ गरीबी में पली है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। इसी तरह मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर मेरे भैया हैं, मेरी जिंदगी की स्फूर्ति है। ये सम्मान उन्हीं को मिले ऐसी मेरी इच्छा है। और ये पैसा ये प्रशस्ति उन्हीं के हाथों से ग्रहण करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। माँ भैया यहाँ आइए। माँ मा, आओ ना। जाओ नहीं, मैं नहीं जाऊँ। उठो उठो माँ, जा। जाओ माँ जाओ। तुम भी आओ ना। तुम जाओ माँ। बुलाए बेटी, खुद ही ले ली थी। नमस्ते। धन्यवाद। क्या मैं क्या दो शब्द कह सकती है क्या? मेरा नाम रानी बाई है, सिवाय पाटिल शाला में बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी बेटी को डॉक्टर बनने की लहले इच्छा होती, किसी तरह यहाँ तक तो मेहनत करके पढ़ाया है। आगे भी वो अपनी पढ़ाई को बिना रोके मोटी मोटी पुस्तकें पढ़े, खूब मोटी डॉक्टर झाली पाहिजे अशी माझी इच्छा है। ये डॉक्टर बनकर माझ्या सारख्या गरीबाना बिना कोई पैसे लिए उनका इलाज करे ऐसी मेरी इच्छा है। आज आप सब यहाँ पे है, इसका सपना साकार हो ऐसा ऐसे आशीर्वाद दीजिए। डॉक्टर की शाला में उसे उसे और आगे पढ़ने का अवकाश करवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। उसे डॉक्टर बनाइए सा, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे डॉक्टर बनाइए सा। अरे अरे, पैरों पर नहीं गिरते, उठिए। आपकी बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी। मैं हूं ना। कितनी बार बुलाऊं भैया, चलो खाना खाने। अगर तुम सुबह शाम ऑटो चलाओगे तो टायर्ड नहीं होगे क्या? विद्या, हम अपने काम से प्यार करें तो किसी काम से टायर्ड नहीं होंगे, बल्कि टायर्ड नाम की चीज हमसे दूर भाग जाती है। मैं कुछ भी सवाल करती हूँ तुम पॉजिटिव आंसर देते हो, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है।
सो पॉजिटिव सोचने से सब ठीक ही होता है। ओह आई सी। भैया भैया क्या तुम्हारी माँ स्कूल में बेहोश पड़ी है? और क्यों? पता नहीं भैया। विद्या चलो तू घर पर ध्यान दे। ठीक है। माँ माँ विजय मिठाई अचानक गिर गई। माँ विद्या 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 क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ को? गिरने से पहले चक्कर आ रही है कह रही थी, बाद में खास भी रही थी। भैया शायद माँ को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा या लंग्स प्रॉब्लम होगा। तुम जाकर कैनवल 10 टैबलेट ले आओ और एक कफ सिरप भी ले आओ। हाँ और फर्स्ट एड किट भी रेडी रखना, जल्दी जाओ। देखा तुम भी ना माँ, मैं कह रही थी ना मेरी बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है। अच्छा। यही मेरी बेटी है। क्या माँ तुमने अच्छा। तो हमारी जान ही निकाल दी। डॉक्टर बनने से पहले ही मरीज का इतना अच्छा देखती है, डॉक्टर बनने के बाद कितना अच्छा देखेगी। क्या माँ तुम भी बेकार ने हमको डरा दिया, भैया ने अभी तक खाना नहीं खाया पता है। अरे विद्या इनसे कहा कि तुम डॉक्टरी पढ़ रही है तो कोई मान ही नहीं रहा था, इसने खाना नहीं खाया ना, चलो खाना खिला दो। बहुत लंबे हो गए हो तुम बेटा। ये भी कुछ कम लंबी नहीं है। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तू भी पास हो गया। टिप्पू तू भी पास हो गया। करण भी पास हो गया। सब पास हो गए, पूरा ग्रुप पास हो गया। पास हो गया। क्या भैया मेरे फ्रेंड्स का नाम है लेकिन मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं है। देखो विद्या टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, बी ब्रेव, हम पूछताछ करेंगे ठीक है। रोते नहीं बेटा। पेपर में मेरे बारे में कैपिटेशन डॉन लिख देने से मैं डर जाऊंगा क्या? इम्पॉसिबल। मेरे बारे में लिखने से उनके पेपर का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वो समझते हैं? हरगिज नहीं। ओ जी बस कीजिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर इस तरह हाथ दिखाकर पुतला खड़ा है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? अच्छा वो विधानसभा है। अजी अजी मुझे उस बिल्डिंग का एक हिस्सा दिलवा दीजिए ना, मैं वहाँ एक अच्छा सा होटल बनवा कर रह लूंगी। मुझसे ऐसा काम करवा के मुझे रास्ते पर लाना चाहती है क्या? सब मिलकर मेरा दिमाग खा रहे हैं। ए, तुम लोगों को अंदर किसने छोड़ा? ए सिक्योरिटी बाहर निकलो। चुप रहिए सर, वो सिक्योरिटी मिलना है। नमस्ते सर, हम इसी गांव के रहने वाले सर, सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे इसलिए इस तरह। हाँ ठीक है काम क्या है? सर वो मेरी बहन ने अच्छा परसेंटेज लिया है सर, लेकिन सीईटी एग्जाम रिजल्ट में इसका नाम नहीं था सर। अगर आप चाहे तो सब हो सकता है, इसे डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ने का अवकाश करवा के दीजिए ना, ये बहुत अच्छा पढ़ती है। देखिए डॉक्टरी पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ये आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, खाने के वादे और ख्वाब महलों के देखते हो। सर उस दिन समारोह में आप इसे सीट दिलाएंगे ऐसा आप ही ने तो आश्वासन दिया था ना। देखो ऑटो राजा तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ सुनो, मंत्री होते ही हैं आश्वासन देने के लिए और एक्टिंग करने के लिए। जानते हो एक मेडिकल स्टूडेंट पर सरकार 2 लाख रुपए खर्च करती है पता है? सर हमने फीस का इंतजाम कर दिया है सर। वो पढ़ाई में लगेगा समझो, और मुझे क्या दोगे बोलो? सर सर मैंने 98% मार्क्स लिए हैं सर, इसलिए मुझे पैसे नहीं दोगे क्या? सर देखो गरीब लोग हमेशा पेशेंट बनकर ही हॉस्पिटल में आने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने से वैसे ही बीमार हो जाएंगे। देखो भाई मेरे अंदर काबिलियत होते हुए भी मुझे किसी ने मुफ्त में वोट नहीं दिया, पैसे लुटाने पर ही वोट मिले मुझे तब जाकर जीता मैं। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, हर साल पैसे कमाने के लिए ये कोई अर्थमंत्री थोड़े ना है, बेचारे उन्नत शिक्षा सचिव है वो, साल में एक बार उन्हें कमाने का मौका मिलता है, मतलब ये इंजीनियरिंग सीट मेडिकल ये सीट वो सीट बेचकर, इनका ख्याल भी तो कीजिए। राजनीति वृत्ति होती है क्या? सेवा होती है ना सर। ओहो ऐसा समझते हो तुम, तो फिर एक काम करो कोई गरीब ग्राहक मिलने पर उससे बस का भाड़ा लेकर ऑटो में ले जाओ, ये भी एक तरह की सेवा ही है ना सर। क्यों समझ गया ना? सर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बेटी को सीट देकर हम पर उपकार कीजिए सर, इसके लिए कुछ
कीजिए सर, प्लीज सर। देखो रुपए लेकर आओगे तो सीट दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ए सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें, आउट। ये लो बेटा। माँ, इसे बेचकर क्या मिलता है देखो। इसकी शादी के लिए रखा था, पर अब डॉक्टर बनना जरूरी है। इसे बेचने के बाद भी इंतजाम नहीं होगा, इसलिए गाड़ी के कागजात भी लिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऑटो बेच देता हूँ माँ। ऑटो बेचोगे तो आगे? दिन में टीवी रिपेयरिंग का काम करूंगा और रात को भाड़े की ऑटो चलाऊंगा। मतलब ऑटो बेचकर, इन्हें बेचकर भी इंतजाम नहीं होगा? नहीं माँ, मैं अरेंज कर लूंगा। विद्या डॉक्टर जरूर बनेगी माँ, मैंने अपने दोस्तों से भी बात कर ली है। तुम हिम्मत रखो माँ, मैं पैसे लाऊंगा। विद्या, 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 क्या हुआ? तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? वो बताओ, भरोसा है या नहीं? है भैया। हाँ तुम डॉक्टर बनोगी, मैं हूं ना, तुम हिम्मत रखो, ठीक है? माँ चलता हूँ। माँ संभल कर जाना। हाँ। माँ माँ, गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं जानती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें और भैया को बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है ना। ऐसी बातें नहीं करते बेटी, हौसला रखो, चाहे कुछ भी हो मैं पढ़ूंगी, ऐसी जिद रखो। पैसों की बात है ना, इंतजाम हो जाएगा। हर हाल में तुम डॉक्टर बनोगी, देखते हैं भगवान हमारी पुकार कैसे नहीं सुनता। हौसला रखो, मैं हूँ ना बेटी। ठीक है बेटी। माँ गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? माँ गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? माँ गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? माँ गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? तुमने तो अपनी ऑटो भी बेच दी, अब आगे क्या करोगे? मेरी बहन को डॉक्टर बनाना है, वो डॉक्टर बन जाएगी तो ऐसी कई ऑटो ले सकते हैं। मुझे क्या कमी है जब तुम जैसे दोस्त साथ है? ए विद्या, दोस्त होने के नाते एक बात कहूँ? बोलो ना। देख ये सर्टिफिकेट किसी भी काम के नहीं होते, अगर तुम पैसे दोगे तो तुम्हें कल ही सीट मिल जाएगी। नहीं लक्ष्मी, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। सारे मेडिकल कॉलेज ओपन हो गए हैं और दौर स्टडीज भी शुरू हो गई है। मेरी बात मान ले, मेरे साथ चल, मेडिकल स्टोर में काम कर ले और कोई दूसरा कोर्स कर। नहीं लक्ष्मी, मुझे सीट जरूर मिलेगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब क्या है, आपने क्या लगा रखा है? अगला सीएम मैं ही बनूंगा कहकर सारे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है, अगर यूं ही चलता रहा तो आप जिस पोस्ट पे हैं वो भी नहीं होगी, याद रहे। छे छे, इसे तो कहते हैं सर राजनीति के अंदर भी राजनीति। मैं आपका चेला हूं और आप मेरे गुरु हैं, ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं सर, इसलिए ऐसा भड़काने का काम करते हैं। सर हर जन्म में आप ही मेरे सीएम रहेंगे, मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है सर, ये कुर्सी अच्छे भले रिश्तों को तोड़ देती है सर। ओहो तुम सत्य हरिचंद्र के वंश के हो ऐसा मैं मान लूं? इन सफेद बालों के पीछे बहुत गहरा अनुभव छुपा है ये जान लो तुम। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो। नहीं सर, आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई है सर। तो ठीक है, आइंदा ऐसी गलतफहमी होने का मौका मत देना, अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। स
सर। कॉलेज सब ओपन हो गया है सर, स्टडीज भी शुरू हो गई है। आपको पैसे देने की ताकत हम में नहीं है सर, प्लीज सर। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़कर अच्छे मार्क्स लिए हैं सर, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं डॉक्टर बनकर आपका मान बढ़ाऊंगी सर। मुझे अपनी बहन समझकर मदद कीजिए सर, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज हेल्प मी सर। देखो बहन, तुम्हारी इस परेशानी को देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कोटा खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ सीएम का कोटा बचा है। मैं तुमको उनके पास भेज देता हूं, वहां वो तुम्हें कुछ भी कहें तो तुम टेंशन मत लेना, उनका इंटरव्यू लेने का तरीका ही अलग है, विचित्र है, तो भी फेस हिम, हैंडल। मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है सर, ये कमबख्त कुर्सी, ये कुर्सी अच्छे भले रिश्तों को तोड़ देती है सर, इसलिए कॉम्पनसेट करने के लिए एक नई चॉकलेट का बंदोबस्त किया है सर। तुम्हारी यही बात तो हमें बहुत पसंद आती है नायक, तुम बहुत चालाक हो, किसी तरह मेरे गुस्से को ठंडा कर ही देते हो, तभी तो मैंने तुम्हें कॉर्पोरेटर से एमएलए, एमएलए से मिनिस्टर बनाया है। थैंक यू सर। सर नई चॉकलेट थोड़ी बहुत इतराएगी, एडजस्ट कर लीजिएगा सर। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर। बात हुई क्या? हाँ, सीएम को सब बता दिया है, सीट मिल जाएगी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आओ आओ अंदर आओ, शर्माओ मत। ए रानी, काम करते समय अगर आग लगकर कोई जल जाता है तो सरकार उसके घर वालों को पैसा देती है, ऐसा पेपर में छपा है, देखो। इसके अंदर की फिल्म देखने के बाद कौन अगला सीएम बनेगा ये मैं नहीं कहूंगा, लोग कहेंगे। मेरा भविष्य बर्बाद करने चला था बुड्ढा, अब मैं उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। थैंक यू सत्या। विजय, माँ को देखो क्या हुआ। विजय, लोकी, माँ को क्या हुआ? माँ जलकर मरने से सरकार से पैसे मिलेंगे सोचकर उसने हाथ धो लिए। उसने हमारी विद्या को ले जाकर उसके साथ विद्या ने भी अपनी जान दे दी। विजय, भगवान
अब बोलो इसमें मेरा कोई स्वार्थ है क्या? मैं उसे मारूं तो वो हत्या होगी क्या? हत्या नहीं होगी, वो संहार होगा। संहार, इन जैसों को यूं ही छोड़ देने से लोगों का आदर्श न्याय नीति सच्चाई पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। ये लोग मंत्री बनने के लिए इसरा खून करते हैं, धोखा करते हैं, विद्रोह करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ इज्जत के साथ खेलते हैं, उनका भविष्य तबाह कर देते हैं। समाज के दुश्मन है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में नहीं रहने चाहिए, ये किसी की मौत की वजह नहीं बनने चाहिए। अत्याचार करने से हम आगे बढ़ेंगे ऐसी सोच इनमें नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं लोगों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। बाहर निकल, ए बाहर निकल साले, ए और कितनों को मारेगा, कितना अत्याचार करेगा, ए ए एक लाचार लड़की को फंसा कर मर्दांगी दिखा रहा तू, तू भी कोई मर्द है क्या? बाहर निकल साले, देखता हूँ तेरी गोली में दम है मेरे सीने में, ए बाहर आ जा, ए ए मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा ना तुझे, ए सर पकड़, नहीं सर सर गोली करा देगा, नहीं सर सर मेरी बात सुनिए सर, नहीं तो मैं खुद ही आता हूं, मेरी बात सुनिए ऑफिसर, सर ऊपर मत जाइए सर, वो मेरी बहन को मार देगा। ए ऑफिसर, ज्यादा आइडिया वगैरह मत देना, वो सब अपने प्रमोशन के लिए रखो। जाओ उस क्रिमिनल सिद्धार्थ नायक को यहाँ लेकर आओ। सीएम तो क्या, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, अगर तुम्हारी कोई मांग है तो मुझसे बोलो। बताने से फिल्म बनाकर टीवी में दिखाओगे क्या? हाँ तू यहाँ से भाग जा, भाग जा। क्या चाहिए तुझे, यहाँ से जाने के लिए क्या लेगा तू? तुम्हारी बातें माननी होगी क्या? ये रूल है क्या? ब्लडी फूल, आइडिया मत देना, कोचिंग मत देना, कब जाना ये मुझे मत सिखा, गो बैक। बड़ा आया आइडिया देने वाला, ये पुलिस मंत्री पंडित सब धोखेबाज होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आज शाम को होने वाले मेरे सम्मान के बजाय मैं तुम्हारा मकसद पूरा होते हुए देखना चाहूंगी। इसमें कोई धोखा तो नहीं है ना? नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। नहीं करूंगा, जिंदगी में दोबारा यकीन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो मुझ पर यकीन करो। ए ऑफिसर, तेरा टाइम अच्छा है, मैं यहां से जाना चाहता हूं, रिलैक्स। जीप में ले जाने का ख्याल था ना, कार 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 मंगाओ जल्दी से, अच्छी कार होनी चाहिए, टंकी पेट्रोल से भरी होनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो। रेडी बास्टर्ड, जरा सर जल्दी एक कार का इंतजाम करो, उस कार में सिर्फ 3 लीटर ही पेट्रोल होना चाहिए, कार डिटेल्स कंट्रोल रूम में पहुंचा दो और कार तुम ही लेके आना, हरी अप। ओके सर। क्या हालत हुई है हमारे इस देश की, उस जंगल के डाकू को तो पकड़ नहीं सकते, कम से कम आतंकवादी को भी पकड़ने की योग्यता नहीं है क्या? कभी नहीं होगा, रिश्वत जितनी तेजी से बटोरते उतनी तेजी से गुनहगारों को कभी नहीं पकड़ेंगे। नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, उसने दद-दद गोलियां चलाकर लोगों को मार भी दिया तो भी ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये उसे पकड़ नहीं सकते, इनमें योग्यता नहीं है। जयराम सर, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। कार डिटेल्स कंट्रोल रूम में पहुंचा दिया ना? हाँ सर। ए कार आ गई है। ए बंदूक फेंको, ओ मूव। ए, बंदूक के नीचे रखो।
परेड कर रहे हो क्या? जल्दी पीछे जाओ। भैया, भाभी। ए ऑफिसर, उस बटले को यहाँ भेजो। श्रीमान रघुराज जी, वो बुला रहे हैं, जाइए। मैं लड़ूंगा कह रहे थे ना, तो जाइए, जाकर लड़िएगा। बोलो भैया, जाइए जाइए सर, जाइए जाइए। दिवाकर साहब, मेरा जाना जरूरी है क्या? समझ गया। श्रीमान खूनी साहब जी, यहाँ इतने सारे प्रेस वाले होने के बावजूद आप मुझ पर इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? सुधा! अबे ढक्कन, मरने की जल्दी है क्या? Go back! मैं आपके पास सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आ रहा हूँ। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ये शांति का संकेत है। घूम जाओ। ए ऑफिसर, कार की चाबी निकाल कर वहाँ ऊपर कार के ऊपर रखो। जरम, चाबी ऊपर रखो। डू इट फास्ट। रख दिया ना? आउट, मूव बैक। ए चलो। ए, अगर किसी ने जरा भी होशियारी की तो इस बटले को यहीं लुढ़का दूंगा। स्टॉप, घूमो। ऑफिसर, वो कार तुम ही रखो। रखो हाँ, मुझे वो सुमो चाहिए। नो, लाते हो या इसे? नहीं, दिवाकर साहब जल्दी लाइए। राम, लेके आओ। यस सर। हे भगवान, जल्दी आइए। सुबह सुबह किसका मुंह देखा पता नहीं। स्टॉप, चल चल बाहर निकल। ए दरवाजा खोल। सुधा, अरे कहाँ ले जा रहा है तुमको? कहाँ लेके जा रहा हूँ? मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ मत करना। छोड़ दो उसे। सुधा, ए कम बैक। अरे रोक दो उसे। कम ऑन एवरीबॉडी, क्विक, उसका पीछा करो, जल्दी चलो। कम ऑन, हरी अप। हेलो, सीएम बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलो दिवाकर क्या पोजीशन है? मैं उसका पीछा कर रहा हूँ सर। हर जगह इंस्ट्रक्शन भी दिया है सर, अलर्ट भी कर दिया है सर। सर आधे घंटे में काम हो जाएगा सर। जल्दी करो जल्दी। ठीक है सर। इन सालों को पुलिस कौन है, क्रिमिनल कौन है, ये भी पता नहीं चलता। दिवाकर सर, आप सेंट्रो कार की बात कर रहे थे ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ब्लडी फूल, वो सेंट्रो कार में नहीं गया है, पुलिस की सुमो में गया है। जल्दी से कंट्रोल रूम में खबर करो। ठीक है सर। क्या हुआ? पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। अगर पुलिस वाले आ गए तो तुम्हें बेकार में तकलीफ होगी। मुझे पानी नहीं चाहिए। जो मेरे मकसद में मेरा साथ दे रही हो, उसे मैं पानी भी नहीं पिला सकता क्या? फिक्र मत करो। Thank you.
मुझे बेशक मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं, तुम्हें खत्म करने आया हूँ। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इतने दिन दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते रहे, अब मांगो मांगो अपनी जान की भीख, मांगो मांग कमीने मांग। मारू मारू, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मौत से ज्यादा मौत का डर क्या होता तुझे पता चलना चाहिए। मैं तुझे डरा डरा कर मारूंगा। तुम्हें खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, इस खाकी वर्दी के साथ खेलता है। अब मैं तुझे मौत का खेल खिलाऊंगा। खेलो खेलो खेलो। क्या हुआ, डर लग रहा है? देखो मुझे सिर्फ एक मौका दो प्लीज। ए! बिल्कुल नहीं, एक लाचार लड़की को बीच में रखकर तुम अपनी जान बचाते रहे। ए! तुम मर्द हो क्या? बास्टर्ड, तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। इतने दिन बेकार में जिए, पर अब मरोगे। मुझे मरना होगा। सर, तुम सही हो, तुम्हारी वर्दी सही है, तुम्हारी बुलेट सही है, पर तुम्हारा मकसद सही नहीं है ऑफिसर, तुम्हारा मकसद सही नहीं है। hey, तुम जैसे क्रिमिनल्स को मारना ही हमारा मकसद है। नो, मौत मुझे नहीं मार सकती ऑफिसर, मैं यूं ही जिंदा रहूंगा, मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा, लेकिन आप उन क्रिमिनल की गुलामी करके हर दिन हर पल मरते रहेंगे। मैं खुशी से मर रहा हूं ऑफिसर, क्योंकि यह विजय लड़कर मर रहा है, लड़कर मर रहा है। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है ऑफिसर, लेकिन वो सीएम तुम्हें आपकी वर्दी की आड़ में गुलामी का प्रमोशन देगा। थैंक्स कहना उसे। बाय बाय ऑफिसर, बाय बाय ऑफिसर, बाय। नो, नहीं, चलो मत। मरने वाला देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। अपने आंसुओं को बचा के रखो, उनके सही हकदार हमारे देश के सैनिक है। नॉट फॉर हिम, ही इज डेड। नो, नहीं, वो मरा नहीं है, उसके मकसद को मैं मरने नहीं दूंगी। hey! hey! जब तुमने उसे सपोर्ट किया तभी मैं तुम्हें मारने वाला था। आखिर क्या हो गया तुम्हें? हाँ, एक क्रिमिनल को समझ लेते हो और एक पुलिस वाले को नहीं समझ सकते हो क्या? हाँ, तुम लोगों को समझाने के लिए क्या मैं ऊपर वाले को बुलाऊं या फिर लिखकर समझाऊं क्या?
एक पुलिस वाले के दर्द को समझो, उसे जानो, उसे पहचानो। ए, ए, तुम्हें बचाने के लिए कितने लोगों की जाने गई हा? और कितने लोगों ने दुख झेला। तू पुलिस वाले को अपना गुलाम समझती है हा? ए, एक बात जान ले, लोगों के लिए सिर्फ दो ही शख्स लड़ते हैं, एक है पुलिस, दूसरा सैनिक। वो भी आपके जैसा एक सैनिक है। ए, ये क्रिमिनल सैनिक है, वो इस समाज के दुश्मनों से लड़ता रहा है। आरक्षक ही रक्षक है, ये 100% सच है। दिवाकर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान, ये बात सुनते ही पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। इंटेलिजेंस से लेकर होम डिपार्टमेंट फोन आने लगे। मैंने सबसे कहा कि मैं दिवाकर को प्रमोशन देने जा रहा हूँ। वेलकम वेलकम दिवाकर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं सीएम बना दोस्तों, तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी। इस खुशी की वजह दिवाकर है। जिस तरह सूरज हर दिन बिना चुके उदय होता है, वही गुण दिवाकर में है। अपनी जान से ज्यादा फर्ज को अहमियत देकर, मुझे मारने आया आतंकवादी का सामना करके, उसे मौत के घाट उतार कर, हमें बहुत बड़े खतरे से बचा लिया उसने। ऐसे महान अधिकारियों का सम्मान करना मेरे लिए और मेरे समस्त बंधुजनों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दिवाकर, what is this? पदवी पाने के लिए आया है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कुत्ता है, पुलिस का कुत्ता है, यूनिफॉर्म भी पहन कर आया है। आपको कुत्ते ही चाहिए थे ना, ऑफिसर्स नहीं। जब आपका दिल करता है आप सम्मान करते हैं, आपके इशारों पर नचाते हैं, जिससे आपकी नहीं बनती उसे दिखाकर भाव को काटो मारो, उसे खत्म कर दो कहते हो, इसी के लिए है ना ये सम्मान? नहीं, सॉरी, भीख कहिए, जिसमें योग्यता ना हो, अगर वो योग्यता वाले इंसान का सम्मान करता तो सम्मान नहीं, भीख कहलाती। जाकर दे भीख उस कुत्ते को। दिवाकर, हम तो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं और तुम सम्मान करने वाले का अपमान कर रहे हो। हाँ, ओ, ये अपमान है, हाँ? Hey, दिवाकर, अपमान हुआ क्या? hey, सिर्फ तुम्हारी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे खींच के लिया, तुम्हें अपमान महसूस होकर इतना गुस्सा आ गया? खाकी वर्दी मेरी माँ है, कितनी बार तुमने उसका अपमान किया है, कितने बार? हाँ, hey, उस दिन क्या कहा था? मेरा सर घूम गया है, स्कैन करो कहा था ना, पुलिस का खून खोलता है कहा था ना? यस, आज के दिन मेरा खून खोल रहा है। तुम्हें मैंने इतने दिन क्यों झेला, तुम्हें इतने दिन क्यों जीने दिया, तुम्हें इतने दिन जिंदा रखा, ये सोचकर मेरा खून खोल रहा है। मिस्टर दिवाकर, दिस इज टू मच। आप इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? ए, अरे शिव, अरे शिव, नो 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 नो, जाओ, ए, तुम नीचे करो, ए, तुम नीचे करो, नीचे करो, ए, सोच लो, इसको मारना सही है या मुझे मारना सही है? बंदूक नीचे करो। अपने मकसद के लिए, एक पुलिस वाला बनने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना दुख झेला होगा, क्या क्या त्याग किया होगा, जरा सोचो, जरा सोचो दोस्तों। ए, इनकी रक्षा करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, रात और दिन एक कर देते हैं, हमारे बीवी बच्चों को भूल जाते हैं, अपने जीवन की हर खुशियों को त्याग देते हैं, और तो और अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं।
लेकिन इन्होंने क्या मेहनत की है सोचो, क्या त्याग किया है। कानून से खेलने वाले गुंडे हमारे लॉकअप में सजा काटकर, इलेक्शन में खड़े होकर जीतकर अधिकार पाकर, हम पर ये अधिकार अपना चलाकर ये हमें इस्तेमाल करते रहे, हमें इस्तेमाल करते रहे। हाँ। ए, तुम लोग मत फंसना, कुछ ही देर पहले इसने मुझे इस्तेमाल करके एक बेकसूर की जान ली है। इतने साल कर्तव्य का पालन करने वाले खाकी को गुंडा बना दिया इसने, गुंडा बना दिया। कल सुबह पेपर की हेडलाइंस में एक खाकी ने खादी का खून किया छपा तो स्पेलिंग मिस्टेक बोलेंगे, एक गुंडे ने खादी का खून किया छपा तो इट्स नॉट माय मिस्टेक, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, इट्स योर मिस्टेक। खाकी पावर, खादी पावर, इन सब पावर से जो बड़ी पावर है वो आपकी पावर है, आपकी वोटिंग पावर है। अब तक आप सब डरकर, ऐसे गुंडों से डरकर किसी दबाव में वोट करेंगे, तब तक ऐसे पापी आते रहेंगे। जब आप सोच समझकर वोट करेंगे तब इस देश का उद्धार करने वाला नायक आपको मिलेगा। दिवाकर, मुझे छोड़ दो। इन जैसों को मारकर मैं सजा काट लूंगा, लेकिन आप बार बार वही गलती दोहराकर सजा मत काटिए। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, दिवाकर, दिवाकर। आ, 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 आ,